नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने सेट वन सेट टू भी देख लिया है। अगर आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उन दोनों क्लासों की, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम सेट थ्री देखेंगे। तो आइए आपका अपना वक्त जाकर इस क्लास को प्रारंभ कर देते हैं। सेट थ्री है, पहला क्वेश्चन है सेट थ्री में, पॉलिश किए हुए चावल में कौन से विटामिन की कमी होती है। क्या होती है कमी? ठीक है, तो विटामिन B1 की कमी होती है। किसकी कमी होती है? B1 की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर नाइट्रेट हो जाएगा, कि नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम की अधिकता से होता है। तीसरा क्वेश्चन है टेंडन लिगामेंट क्या होता है, कि टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। तो इसकी बेस्ट एंड धासु ट्रिक है बीबी लाल। क्या है बीबी लाल? तो बोन प्लस बोन, हड्डी प्लस हड्डी, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। बीबी मतलब बोन बोन और लाल मतलब लिगामेंट, हड्डी हड्डी और लिगामेंट, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। बचा टेंडन, तो टेंडन में क्या है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना टेंडन कहलाता है। और टेंडन और लिगामेंट है क्या? तो टेंडन और लिगामेंट उत्तक है। क्या है? उत्तक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की हड्डी होती है जिसका नाम है स्टेपिज, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है एपिग्लोटिक्स क्या है, एपिग्लोटिक्स क्या है। तो इसका आंसर है श्वास नली और भोजन नली के जो ऊपर एक ढक्कन होता है उसे कहते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। अगर आप समझे नहीं है तो समझाता हूँ, कि जब आप खाना खा रहे होते हैं, अगर आपका दिमाग कहीं घास चढ़ने को गया है, अरे भाई सॉरी यार, घास चढ़ने को नहीं जाएगा क्योंकि आप खाना खा रहे हैं यार, कैसे जाएगा भाई। मान लो कि खाना खाते समय अगर आपका दिमाग है वो कहीं घूम रहा है, ठीक है, कहीं घूम रहा है, तब क्या होता है कि जब आप खाना निगलते हैं तब एपिग्लोटिक्स बोलता है दिमाग को कि भाई खाना कहाँ डालना है, श्वास नली में कि भोजन नली में। क्या बोलता है? कि श्वास नली में कि भोजन नली में। तो कोई रिप्लाई नहीं आता है एपिग्लोटिक्स को, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो एपिग्लोटिक्स हो जाता है कन्फ्यूज। क्या हो जाता है? कन्फ्यूज। तो वो भोजन नली के बजाय श्वास नली में खाना डाल देता है। अगर खाना श्वास नली में आ जाता है तो क्या होता है? फेफड़ों में जाता है। तो फेफड़े बोलते हैं भाई तुम्हारा ये घर नहीं है, तो फेफड़े उसे देते हैं धक्का। क्या देते हैं? धक्का। तब हमें आती है हिचकी। क्या आती है मेरे दोस्तों? हिचकी आती है। अगर आप क्या करते हैं कि अगर दिमाग स्थिर रखते तो वो एपिग्लोटिक्स श्वास नली के ऊपर ढक्कन देता और वो खाना है वो भोजन नली में सीधा सीधा जाता, तो हमें कोई प्रकार की हिचकी नहीं आती। इस प्रकार से एपिग्लोटिक्स काम करता है। दोस्तों उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया है तो लाइक जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो पारसेक है। कौन सी है मेरे दोस्तों? पारसेक है, वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन है। क्या होगा इसका आंसर? नेफ्रॉन होगा। अगला क्वेश्चन है बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम पर आधारित है, कि बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम पर आधारित है। तो जड़त्व के नियम पर आधारित है, और जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम है। जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएच पैमाना किसने दिया, पीएच पैमाना किसने दिया। तो इसका आंसर है सोरेनसन ने दिया। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है, कि मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तरल संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है मेरे दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है, कि रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है। तो वो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया है, और ये न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है, कि दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। क्या होगा मेरे दोस्तों? अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है, तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है, कि प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीरम। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सीरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है, कैंडेला, कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है मेरे दोस्तों? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा लिनियस। किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? लिनियस को कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है? भाई टैक्सोनॉमी वो होता है मतलब कि जीव विज्ञान में जो जीवों के नामकरण या वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो होता है टैक्सोनॉमी। क्या होता है? वो होता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा कार्ल लैंड स्टीनर ने की। किसने की मेरे दोस्तों? कार्ल लैंड स्टीनर ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? 4 सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है? पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। तो उसकी बेस्ट एंड धमाकेदार ट्रिक है पिताजी। क्या है? पिताजी। बस पिताजी याद रखना है मेरे दोस्तों। तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो तांबा प्लस जिंक, तांबे और जिंक को मिलाकर पीतल बनता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है तांबे और जिंक की। अगला क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? कि रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सल्फर होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर सल्फर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर है लेमार्क प्लस ट्रेलनास। किसने किया मेरे दोस्तों? लेमार्क और ट्रेलनास ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु महोदय। किसे कहते हैं? अरस्तु महोदय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का श्वसन स्थल। अगला क्वेश्चन है, सर्वदत्ता कौन सा रक्त समूह होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि सर्वदत्ता कौन सा रक्त समूह होता है। आप 100% इसमें गलती करोगे। आप लगा दोगे ओ, आप लगा दोगे ओ तो गलत हो जाएगा। ओ माइनस है मेरे दोस्तों, ओ माइनस जरूर याद रखना। अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो आपको गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो ओ माइनस ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? जैविक घड़ी कहते हैं पिनियन को कहते हैं जैविक घड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रोग को लोकजा रोग भी कहा जाता है? कि किस रोग को लोकजा रोग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा टिटेनस। क्या होगा इसका आंसर? टिटेनस इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? हैंसन रोग की बात आती है तो कुष्ठ रोग या इसे लेप्रोसी भी कह सकते हैं। हैंसन रोग, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रोग को नाभिक रोग भी कहा जाता है? नाभिक रोग, तो नाभिक रोग की बात आती है तो नाभिक रोग कहते हैं स्कर्वी। किसे कहती है? स्कर्वी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहती है रेबीज, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया है रेबीज। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि किस रोग को लोकजा रोग भी कहते हैं? टिटनस को कहते हैं। हैंसन रोग, कुष्ठ रोग, नाभिक रोग स्कर्वी और हाइड्रोफोबिया रेबीज। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन आंसर, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और अगर मुझे पर्सनली कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम की सभी सोशल मीडिया की लिंक दी गई है, उस पर आप जाकर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर कुछ अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए, जल्दी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।